जो आज मुझे नहीं समझती, या यूं कहना ज्यादा न्यायपूर्ण होगा कि जिसे मैं कभी ठीक ठीक समझ नहीं पाया, उसी माँ को जिसकी कोख ने अस्तित्व दिया और जिसकी ममता ने मुझे खड़ा किया। ये कविता है देश के सुप्रसिद्ध कथाकार और कवि अर्पण कुमार की, जिन्हें कई हिंदी साहित्य में कई अवार्ड मिल चुके हैं और जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमसे बातचीत करने के लिए। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पूजा जी। जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपकी जो कई कृतियां छप चुकी हैं, जिसमें मैं सड़क हूँ और नदी के पार नदी, दोनों के लिए आपको पुरस्कार मिला है, तो आज के माहौल को देखते हुए ये है कि लोगों ने ये सब किताबें पढ़ना बंद कर दिया है, इंटरनेट पे लोग ज्यादा समय बिताते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो आपने किताबें लिखी हैं, क्या ये समाज के लिए कितने फायदेमंद है और इससे कितने सुधार हुए हैं समाज में? जी पूजा जी, ऐसा है कि किताबों का पढ़ना तो कभी लोग नहीं छोड़ेंगे और उसके माध्यम बदल जाते हैं, उसके रूप बदल जाते हैं। ऐसा ही आज के समय में भी है। आज जब कई लोग ऐसा मानते हैं कि किताबें लोग कम पढ़ रहे हैं, तो उसी समय हम यह देखते हैं कि इंटरनेट पर कई ऐसी किताबों की साइट हैं जिस पे ऑनलाइन ई पुस्तकें लोग पढ़ रहे हैं। माध्यम बदल गया है जी, लेकिन लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही नए नए प्रकाशक आ रहे हैं जो ज़्यादा प्रोफेशनल रूप में चीज़ों को छाप रहे हैं जी। तो भौतिक स्तर पर भी कई किताबों का प्रकाशन हम देख रहे हैं कि इन दिनों वापस लौट रहा है जी। आप कोई अपना प्रसंग शेयर करना चाहेंगे जिससे कि आपने ये कविता लिखी, आपने कविता संग्रह लिखा और जो ये आपने नॉवल लिखा, तो इससे समाज में किसी ने इसे फॉलो किया हो और उससे उसकी लाइफ में बदलाव आया हो? जी, मेरा पहला काव्य संग्रह जिसका आपने जिक्र किया, नदी के पार नदी, वर्ष 2002 में आया जी। तब मैं दिल्ली में था, मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई, हंसराज कॉलेज में। तो इस पांडुलिपि को वहाँ के हिंदी अकादमी ने अपनी पुरस्कार योजना में शामिल किया और यह किताब वहाँ आई जी। यह किताब नदी के पार नदी हिंदी साहित्य में एक ऐसी किताब है जिसकी कुल 51 कविताएं सिर्फ और सिर्फ नदी पर हैं जी। और नदी यहाँ स्त्री है, तो नदी के पार नदी, बीमेन बियॉन्ड बीमेन पर यह पूरा संग्रह है, जिसकी भूमिका जो है इंदिरा गोस्वामी जी ने लिखी, जो आज हमारे बीच नहीं है, मगर जो असमिया की एक विश्व प्रसिद्ध लेखिका रहीं, भारतीय ज्ञानपीठ मिला जी। और कई लोगों ने, आलोचकों ने, पाठकों ने इसे खूब सराहा, क्योंकि मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति है प्रेम, उसको लेकर यहाँ कुछ नए तरीके से बातें उठाई गई। स्त्री पुरुष संबंध में हम जो एक प्यार को जो एक एक जो एक इतनी कोमल भावना है, उसे कैसे एक बिल्कुल विशुद्ध प्रजातांत्रिक रूप से और स्त्री पुरुष के बदलते संबंधों को देखते हुए एक कविताएं रची गई। मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी कि जो आपने ये कविताएं लिखी हैं, तो आपने शुरू में आपके अंदर क्या थॉट थे कि मेरे को लिखना चाहिए, और अब चूंकि आप एक गवर्नमेंट जॉब में है, तो कैसे आप समय निकाल पाते हैं इनके लिए? जी देखिए, किसी भी कला के प्रति जो व्यक्ति का समर्पण है, वह देर सवेर एक जिद में बदल जाता है, और वह जिद ही है कि आप उसे किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त करते हैं। चित्रकार उसे पेंटिंग के रूप में अभिव्यक्त करता है जी, लेखक शब्दों से करता है, जो फिल्म मेकर हैं या जो और दूसरे माध्यमों में हैं, वो अलग अलग तरीकों से करते हैं। तो एक तो यह वजह है, और अगर आपके पास जिद है जी, तो समय आप निकाल लेते हैं। आप परिवार के साथ मॉल में हैं, आप आजकल तो सुविधाएं बढ़ गई हैं, मोबाइल के मेमो में भी आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं, और एक मेमो में मैं देखता हूँ, जब मैं उसे वापस कंप्यूटर पर लेता हूँ, उस मेमो पर लिखे गए शब्दों को, तो लगभग 850 शब्द आपको मिल जाते हैं। अर्पण जी, मैं जानना चाहूंगी कि
जो आपके जो फेवरेट राइटर हैं जिनको आप फॉलो करते हैं और उनको फॉलो करते हुए आप कविताएं कहानियां या नॉवल जो भी लिखते हैं, तो कौन है वो जिनकी वजह से आप प्रेरित हुए हैं, जिनको सुन के जिनको पढ़ के आप प्रेरित हुए? मुझे लगता है कि प्रेरणा तो एक काफ़ी बड़ा शब्द है और हर लेखक कहीं ना कहीं अपने पुराने लेखकों से या और जो उस परंपरा में जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे प्रभावित होता है, लेकिन इसके साथ ही जो व्यक्ति का जो अपना मिजाज है, या जैसे मैं पटना से हूँ, दिल्ली आया, अहमदाबाद रहा, आजकल जयपुर हूँ, तो इतने जो बदलाव देखते हैं आप, गांव के स्कूल में पढ़ा, पटना कॉलेज में पढ़ा, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा, तो जो इतने बदलाव हैं आपके पास, कई बार स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रहती हैं, आपको मनचाहा नहीं मिलता है, तो फिर आप सोचते हैं जो उन प्रतिकूलताओं को कैसे अनुकूलता में बदला जाए जी। और जो संघर्ष है वह संघर्ष आपको काफ़ी प्रेरणा देता है। जहाँ तक बात रही अपनी पुरानी पीढ़ी के या समकालीन पीढ़ी के लेखकों की, तो वह तो आपके साथ चलती ही है, भाषा के स्तर पर आप निरंतर सीखते हैं और वह एक आपकी थाती है, यह सीखना जिंदगी भर जारी रहता है। आपने जो ये कविता संग्रह लिखा है नदी के पार नदी, इसकी जो थीम है कि आपने स्त्री को जिस ढंग से प्रेजेंट किया है वो काफी रोचक है, आपको कोई इसमें से कविता याद हो जो आप दर्शकों से साझा करना चाहें तो आप जरूर कीजिए। जी जी, मुझे खुशी होगी और अगर अनुमति दें तो मैं इस पुस्तक से ही एक आध कविता रखता हूं। नदी का मिलना रास्ते का एक सुखद संयोग था। क्या बात है? नदी का मिलना रास्ते का एक सुखद संयोग था, नदी का सानिध्य रास्ते का घना कोई साया था, नदी का बिछोह रास्ते का मानो एक निष्ठुर चरित्र था, नदी की नियति मुझसे नहीं रास्ते से जुड़ी हुई थी। अब ये बहुत ही अच्छी कविता है, लेकिन आप दर्शकों को एक लाइन में इसका सार भी समझा दीजिए कि इसका मतलब क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्या सोच के आपने ये लाइनें लिखी? जी, जैसा कि पहले भी चर्चा हुई, प्रेम हर युवा करता है और युवा ही क्यों, प्रौढ़ लोग, वृद्ध लोग, किशोरावस्था में, हर उम्र में हम इसे अपने बीच देखते हैं, तो लेकिन अगर इसको और बड़े स्तर पर देखें तो प्रेम को लेकर कई बार हम देखते हैं कि कोई बदला लेने की भावना लोगों में आ जाती है जी। या किसी के इनकार पर हम अपने ही प्रिय को क्षति पहुंचाते हैं जी। या उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं जी। कई बार उसकी हत्या भी हो जाती है, तो हर समय प्रेम का अर्थ पाना नहीं है, प्रेम का अर्थ सिर्फ मिलन नहीं है, प्रेम एक बिछोह भी है, तो हमें यह समझना होगा हम जिसे प्रेम करते हैं अगर वह मिल जाता है तो ठीक, अगर नहीं मिलता है तो हम उसे बहुत पजेसिव होकर हमें नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि दर्शक जरूर इस बात से कुछ सीख लेंगे और आपकी कविता को जरूर फॉलो करेंगे। लेकिन सर, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है जो मैं काफी देर से आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आजकल के दौर में डिजिटलीकरण का जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी काफी उस पर जोर दे रहे हैं, और आज का युवा भागती दौड़ती जिंदगी है, किसी के भी पास समय नहीं है, ऐसे में वो आपकी पुस्तकों को क्यों पढ़ें, किस तरीके से आप देखते हैं कि उन्हें ये पुस्तकों के माध्यम से ही पढ़ना चाहिए ना कि इंटरनेट पे, वो ज्यादा बेहतर होगा कि आपकी बुक्स पढ़ें? जी पूजा जी, जैसा कि हमने बातचीत की उसी कड़ी में मैं कहना चाहूंगा जी, मेरा दूसरा काव्य संग्रह मैं सड़क हूं आया जी, और तीसरी किताब के रूप में मेरा उपन्यास आया 25 वर्ग गज। तो 25 वर्ग गज आप जैसा कि जानती हैं, दिल्ली की जे कॉलोनी में कई हजारों की संख्या में ऐसे मकान हैं जी, जिसमें लोग रहते हैं, लाखों लोग उसमें अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो जैसे कि आपका जो सवाल था कि भाई लोग क्यों पढ़ें, तो हो सकता है राजस्थान से गए हुए लोग, यूपी से गए हुए लोग, बिहार से गए हुए लोग वहाँ उन मकानों में रहते हैं, या कई महिलाएं वहाँ शादी करके जाती हैं तो एक घुटन की जिंदगी जीती हैं और वह उस सच को स्वीकार नहीं कर पाती हैं,
तो यह उपन्यास उसी उहापोह को उकेरने का काम करता है। तो यह जो संघर्ष है हमारे भीतर का कि हम अपने वर्तमान को स्वीकार नहीं करते जी। जब हम इस संघर्ष से रूबरू होते हैं तब एक लेखक भी रूबरू होता है एक इंसान के रूप में, फिर वह उन संघर्षों के बीच कोई रास्ता तलाशता है और नई जिद पालता है, कुछ और प्रयास करता है बेटरमेंट के लिए, और फाइनली इस उपन्यास का नायक अभिषेक भी दिल्ली छोड़कर एक छोटे शहर पटना में, जो उसका एक गृह राज्य भी है, गृह नगर भी है, वहां चला जाता है जी। तो हम लिखते हैं, क्यों पढ़ें लोग? तो लोग इसलिए पढ़ेंगे कि जो व्यक्ति का संघर्ष है, अगर उसमें हमें कुछ पॉजिटिव चीजें मिलती हैं, कुछ सकारात्मक बातें मिलती हैं, तो आदमी उससे प्रेरणा लेता है, फिर वह जब उन स्थितियों को खुद भी देखता है, भोगता है जी। तो उसे वह पढ़ा हुआ याद आता है कि उस उपन्यास का नायक भी अंत में अपनी गृहस्थी को बचा ले जाता है और अपना मनचाहा पाल लेता है, तो क्यों नहीं हम भी उसकी तरह अपनी जीत को देख पाएंगे। तो बिल्कुल, आपने जैसा कि ये कहा है कि लोगों को इसलिए ये बुक्स पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें संघर्ष की कहानी है, उस संघर्ष की कहानी जिससे जो अर्पण जी ने जिस संघर्ष की कहानी इसमें लिखी है उससे ये है कि जो आजकल की जिंदगी है, जिस ढंग से वहां का ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये काल्पनिक है, इन्होंने वहां की जिंदगी को देखते हुए वहां पे किस तरीके से लोग रह रहे हैं उस सब को एक कुछ लिमिटेड वर्ड्स में लिख के और एक किताब के रूप में कंपाइल किया है। और दर्शक इसे पढ़ेंगे, जो सोच रहे होंगे कि हमें नहीं पढ़ना चाहिए, तो जरूर उन्हें आपके आंसर से आंसर मिल गया होगा। हमें उम्मीद है कि वो इन सब बुक्स से जरूर कुछ सीख लेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस प्रोग्राम में आज इतना ही, आपसे कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।